आज आपको बताया जाएगा कि मलाई से आप घी किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको ले चलेंगे अब हम सामग्री पे। देखो आपके पास एक्चुअली है क्या क्या, इसमें तो है घी, मतलब ये मलाई है, ये ऑलरेडी एक मिनट देखो, यस स्टोर की गई है, ओके एक ही हो गई। अब हम निकालेंगे, अपने पास और है अभी मलाई, आई थिंक आई होप आपको दिख रहा है, यस आप देख रहे हैं। तो क्या करना है, देखो पहले ये आपके पास में जो है ये ऑलरेडी लगभग इसको एक वीक हो चुका है। अब मैं सेम मलाई निकालूंगा इसमें से, दूध काफ़ी अच्छा है भैया, हमारे यहाँ दूध अच्छा नहीं होता, तो इतनी मलाई इसमें लगभग हो जाती है एक किलो दूध में। तो ये हमने मलाई कर दी है इसमें से, इसको अच्छे से आपको निकाल लेना है। तो ये इसमें लगभग लगभग निकल चुकी है, मैं थोड़ा सा और जो बचा है ये भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ यूज इसका हो जाएगा। और एक अच्छी बात बताऊँ आपको हेल्थ से रिलेटेड, ये जो मलाई आप निकाल रहे हैं, जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, या ओवरऑल कुछ अपनी वेट जर्नी में है, तो उसके लिए भी आपको ये और बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, मलाई आपने निकाल ली है, ये अपनी मलाई हो गई, ओके। अब हम बढ़ेंगे अगली कार्रवाई की ओर, यस ये आएगा अपना बर्तन, इस कढ़ाई में बनेगी मलाई। यू हमने कर लिया है गैस ऑन, अब आपको क्या करना है, कुछ देर वेट करना है मलाई की गर्म होने का, कढ़ाई की गर्म होने का, नॉट मलाई का, मलाई का अभी गर्म हो रही है अभी तो जैसे ही ये गर्म हो जाएगी हम आपको सीधे ले चलेंगे। हमने लोकेशन चेंज कर दी है कढ़ाई की, तो थोड़ा भी हमें कॉफ़ी पीनी है ना, इसलिए बालक। तो कढ़ाई भी गर्म हो रही है, तो थोड़ा सा हमें और वेट करना है उसका। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि कढ़ाई लगभग ऑलमोस्ट गर्म हो चुकी है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपने मलाई इकट्ठा करी थी, इस मलाई को आपको आराम से निकालना है। तो ये आप इसमें इस तरीके से डालना है आपको, और हर हम थोड़ा गैस की रोशनी कम कर रहे हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखो अब आपको सीधे कढ़ाई में ले चलेंगे। ये जो इसको है ना, ये मलाई आपकी है, ये पूरी तरीके से आप इसको अच्छे से इस तरीके से मैश कर लें। जब तक ये ऐसे मैस नहीं होगी तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी घी बनने के टाइम में। उस टाइम में होता क्या है, अगर ये मलाई थोड़ा सा भी अगर प्रॉपर नहीं फूली तो वो कहीं पे ज़्यादा चलेगा, फिर जल्दी जल जाएगा, तो थोड़ा सा वो चीज़ फेस करनी पड़ जाएगी। तो अभी इसको हम पहले पूरी तरीके से मिला लेंगे, कि जब तक कि इसका दोबारा से जैसे नॉर्मल दही वाले फॉर्म में कहें या फिर मट्ठा वाले फॉर्म में गए, इस तरीके से इसको घोल जाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब लगभग मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, उसको 20 मिनट तो कम से कम लगते ही है मलाई बनने में। एक और विशेष काम भाई ना, इसको भी निकाल लेना है पूरा, ठीक है, मैं वही अभी करने जा रहा हूँ। एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही थोड़ा सा ना अगर ज़्यादा फिर गर्म हो जाता है, उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा
कीटे मारने लगता है, मतलब कि ये अपनी बहुत गर्मी से हाथ पैरों में लगने के चांस भी रहते हैं। तो जब भी आप अगर इसको बनाते हैं तो पहली बात तो अपने बच्चों को इस चीज़ से थोड़ा दूर रखिए और खुद भी आप इससे बचिए, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, बॉइलिंग टेम्परेचर देखो आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा भी उछल रही है क्योंकि गैस भी ज़्यादा अभी तेज नहीं है। तो सबसे पहले तो आप गैस को बिल्कुल धीमा कर लीजिए और उसके बाद इसको आप धीरे धीरे करके ऐसे हिलाते रहिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है ना, ये जलेगा नहीं। अगर ये जल जाएगा तो फिर ये वो बात नहीं रहेगी, इसमें प्रॉपर तरीके से घी नहीं बनेगा। तो आपको एक अच्छे से प्रोसेस में इसको बनाना है, तो स्लोली स्लोली करके आप इस तरीके से देख रहे होंगे, ये आपको करते रहना है। करीब 5-10 मिनट तो एटलीस्ट ये करना ही पड़ता है। तो उसके बाद इसका कलर चेंज होने लगेगा, अलग सा दिखेगा, वो अभी आपको आगे चल के दिखाएंगे। फिर मिलते हैं। मलाई बनाने के चलते भारी नुकसान, ओवर होके उबाल आ गया है, तो ये नुकसान भी आज हमको झेलना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया भाई, नुकसान तो हो गया सुबह सुबह आज 2 रुपये का नुकसान। आई थिंक अब आप देख पा रहे होंगे इसका कलर बिल्कुल थोड़ा चेंज होने लग गया, तो वो साइड से जैसे घी को हम गर्म कर लेते हैं ना, उस तरीके से इसमें ये प्रोसेस शुरू हो गई है। ये 10 मिनट के बाद की प्रोसेस है जो इसमें टाइम लगा है। तो अब देखो अभी आई थिंक बहुत दिख रहा होगा, थोड़ा क्लोज ले जाने की कोशिश करूँगा। देखो इसमें घी का पोर्शन अलग दिखने लग गया, मतलब वो घी बनने को रेडी है, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से पक गया है। तो पकने के बाद ये इसी तरीके से बनेगा इसमें। तो ये है, तो अभी आप इसको छोड़ना नहीं है, तो अभी इसको आप ऐसे मैश करते रहिए, हिलाते रहिए, और जब तक ये बन नहीं जाता वो बताऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसके बाद में पूरा तरीके से। आप फाइन घी आपको इसमें मिलने वाला है, और जो इसका टेस्ट रहता ना यार, वो वही टेस्ट है, असली टेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं घर की बनी चीज़। वो चीज़ आपको कहीं इधर उधर बहुत नहीं मिलेगी, रेयरली ही मिल पाएगी। तो जैसे ठंडी के दिन में तो अभी आजकल आप 1 हफ्ता तक अगर मलाई वगैरह कहीं फ्रिज व्रिज में नहीं भी रखते हैं, कि जैसे कि मेरे पास नहीं है फ्रिज, इसलिए अपनी बात बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल कॉमन मैन की बात। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। देखो अभी आप फिर भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, और वो रिफाइनमेंट हमको मिलनी चालू हो गई, जो घी वाला पोर्शन है वो बनना चालू हो गया इसमें। और बट एक चीज़ का विशेष इसमें ध्यान रखा गया है कि इसको बिल्कुल आप जलने मत देना है, नीचे रुकी इसी इसका मेन चीज़ है जो आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। तो अभी इस तरीके से बनेगा, अब जिस चीज़ का था हमें इंतजार, वो चीज़ हमारे सामने उपस्थित हो चुकी है। देखो घी जब बनने की प्रोसेस में होता है तो इस तरीके से ये झाग यहाँ पर देना चालू कर देगा। ये घी का आपका बनने का एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, इंटीमेशन है, इंटीमेट आपको कर दिया। और देखो आप ये देख रहे होंगे तो ये थोड़ा थोड़ा जल भी गया है, तो जब पूरी तरीके से ब्राउनिश हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका घी बन चुका है। और वैसे ये भी घी बनने के भी लक्षण है, जब अपने आप झाग बन जाता है ना तो ये बढ़ते रहेगा, तो ये आपका बन गया है लगभग। तो अभी हम देख भी पा रहे होंगे, ये देखो पूरा जल गया, तो मीन्स कि घी बन गया। अब हमको क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना है, ये हमने गैस बंद कर ली है। अभी थोड़ी देर में अब आपको इसमें दिखाएंगे, अभी तो ठंडा हो जाएगा ना कुछ टाइम, तो मेरे को लगभग इसको बनने में 20 मिनट का समय लग रहा है, मोस्टली ऑलमोस्ट टाइम बोल सकते हैं इसको। तो अब जैसे ये हो जाएगा अभी, तो फिर मैं आपको फिर दिखाता हूँ इसका एक फाइनल इसका जो आउटपुट निकलेगा। तो तब तक के लिए आप भी तैयारी करिए, बनाइए, सीख लीजिए, और जिन लोगों को आज नहीं पता था तो अभी आप लोगों को आ गया होगा। ये देखो कितना ज़बरदस्त झाग इसमें बन गया है, ये इसकी प्रोसेस अभी हो रही है, ऐसे जो बोला ना, देखो झाग बढ़ते रहते हैं अपने आप, ये पूरा ब्राउनिश इस तरीके से इसमें ऊपर आपका आ जाएगा। तो ये घी रेडी हो गया है, अब क्या होगा, ये झाग एक साइड में चला जाएगा, घी आपका एक साइड ही बन जाएगा। तो मिलते हैं फिर से झाग के साथ में, कोई मुझे घी कहे मलाई से बना हुआ। ये देखो दिखा ना आपको, ये अपने आप देखो जो
वो जो जला हुआ पार्ट था ना जो इसमें से साइड में निकल गया अपने आप बन रहा था, ये अपने आप ही इसने साइड में निकल गया, ये पोर्शन हमारा घी का घी बनना चालू हो गया। अभी इसका जब थोड़ा ठंडा होने देंगे इसको हम, फिर 10 मिनट वेट करते हैं तो फिर आपको वही प्रोसेस में फिर मैं लेके चलूँगा, फिर आपको पूरा इसका आउटपुट दिखा जाएगा। तक के लिए चाय पियो ना भाई, आपको अपनी चाय का भी दिखाऊंगा मैं, डिफरेंट प्रकार की चाय बनाता हूँ, कॉम्बिनेशन कॉकटेल टी इसको। 10 मिनट हो गए हैं बट कढ़ाई थोड़ा सा हमारी गर्म है, तो उसके लिए हमें ये होटल में हम इसका थोड़ा सा सहारा लेंगे, इस गर्मी को हम काफी चूज कर पाए। तो देखो देखो मतलब दिखाना पड़ेगा ना यार, ये लग गया घी वाला मटेरियल आ गया बीच में, बाकी जो उसका मलाई का रॉ मटेरियल है जो एक्सेस में है इसमें मटेरियल, ये अपने आप ही साइड में रख दिया। अब हमें सर्वप्रथम क्या करना है, आपको मैं सवाल आ रहा है मेरे को पता है यार, गैस तो साफ कर लेता करूँगा यार, आज करनी है मेरी बात था, मेरी बारी है, पिछले हफ्ते भी मेरी बारी थी, आज भी मेरी बारी है, तो गैस भी साफ होगी। ये बैचलरों का पता ही है सभी को क्या होता है साथ, फिर भी हम आपकी बात को ध्यान में रखेंगे। तो अब हम कढ़ाई को इस तरीके से गैप बनाना पड़ेगा ना, तो देखो गैप बनाऊंगी वाला मुझे बहुत घी बन गया पता, मैं आपको दिखाऊं तो अब अगर ये बन गया है, इसमें भी थोड़ा सा घी हम और निकाल लेते हैं, इंडियन है भाई ऐसे कैसे छोड़ देंगे, इसका क्या तरीका है वो भी आपको बताते हैं। ये करछी आपको पकड़ लेनी है, इसके बाद आपने क्या करना है इसको यहाँ से प्रेस करो, आप इस सारा मटेरियल को आप एक साइड में लगा दो, इस तरीके से इसको दबाओ, ऐसे करके आएगा अभी तो बहुत है भाई, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, और एक इसको जितना प्रेस करेंगे कुछ नहीं बचना चाहिए भाई, कुछ नहीं, ये जो है मुझे डर लग रहा है कहीं अगर ये जो साइड में रखा था ना ये ना चले जाए, तो कोई नहीं हम इस तरीके से करेंगे, थोड़ा बहुत जाएगा ये ठीक है, इतना तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी भी हम एक काम और करने वाले हैं, छोड़ेगा नहीं मलाई राज, छोड़ेगा नहीं, इसको क्या करना है देखो, या हमने कढ़ाई कर ली है टिक सी, अब ये जितना भी रहेगा धीरे धीरे करके आपका यहाँ पे ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, तो इसको भी हम यूज में लेंगे। तो अब क्या करना है हमें, अब हम देख रहे हैं अलग घी बनके हो गया है रेडी, ठीक है, तो ये मारा है स्टोर का डब्बा, तो इसमें ऑलरेडी मैं घी मतलब 2-3 महीने से घर में घी घर का घी यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, हेल्दी का हेल्दी टेस्टी, 2 महीने तक तो मैंने जितना भी था खाना वगैरह सब घी में ही बनाया था, ओए होए हो यम्मी यम्मी यम्मी, ये देखो अब अच्छे से देख लो यार, अच्छे से कहा नहीं दिखाते हो भाई, ये देखो घी बन के रेडी, तो हम इसको लॉक कर देंगे।